this historic day when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. On this historic day when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings. आजकल ओडिशा, गुजरात और बहुत सारे प्रदेशों में ईसाई विरोधी हिंसा देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरियां जबरदस्ती से, प्रलोभन से, लालच देकर सीधे साधे भोले भाले आदिवासी और दलितों को ईसाई बना रही हैं और ये पूरी हिंसा उसके जवाब में हो रही है। इसी दौरान एक और बात देखने को आई, वो ये थी कि ओडिशा के स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती महाराज की हत्या हुई और उनकी हत्या के तुरंत दूसरे दिन बाद से ईसाइयों के खिलाफ बहुत बड़ी हिंसा की शुरुआत हो गई। हमने देखा, पढ़ा, सुना, बहुत सारे चर्चेस पर हमले हुए, चर्चेस को नष्ट कर दिया गया, बहुत सारी महिलाओं पर बलात्कार हुआ और बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया गया। वैसे देखा जाए तो ईसाई विरोधी हिंसा की शुरुआत भारत में 1996 से हुई है। 1996 के पहले भी इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती थी, पर 1996 के बाद ये घटनाओं ने एक बहुत बड़ा भीषण रूप धारण कर लिया है। इसी के दौरान हमें ये भी देखने को मिला कि 1999 को 22 जनवरी की रात में फादर पेस्टर ग्राहम स्टेवर्ड स्टेन्स को उनके दो मासूम बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया था। ये जिंदा जलाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम दारा सिंह था और दारा सिंह का संबंध बजरंग दल से था, बजरंग दल जो आरएसएस गिरोह का एक सदस्य है। उस समय केंद्र की सरकार में, एनडीए की सरकार में श्री लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। पेस्टर स्टेन्स की हत्या के बाद उन्होंने तुरंत वाधवा कमीशन गठित किया और ये वाधवा कमीशन ने 3 महीने की जाँच के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले। ये निष्कर्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वाधवा कमीशन का पहला निष्कर्ष ये था कि पेस्टर ग्राहम स्टेन्स धर्मांतरण के किसी काम से भी जुड़े हुए नहीं हैं। उनका दूसरा निष्कर्ष था कि केउंझर, मनोहरपुर, ओडिशा, जहां पेस्टर स्टेन्स काम करते थे, उस क्षेत्र में ईसाइयों की संख्या में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। तो आखिर में माजरा क्या है, ये मुद्दा क्या है, ईसाइयों पर हमले पिछले 15 साल में क्यों बढ़ गए हैं और ये हमले विशेष तौर से आदिवासी क्षेत्रों में ही क्यों होते हैं। इस बात को शुरू करने के पहले हम एक बात याद रख लें कि ईसाई मिशनरी के लोग शहरों में भी काम करते हैं और जंगली इलाकों में भी काम करते हैं, गांव में भी काम करते हैं। शहरों में इनकी संस्थाएं, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल हैं और शहरों में बहुत बड़ी तादाद में शहर के लोग इन संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक होते हैं। वह किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट इन संस्थाओं में जाने के बारे में नहीं होती। यहाँ तक कि जो लोग आरएसएस के सदस्य हैं, जो लोग शिवसेना के सदस्य हैं,
उनके खुद के बेटे बेटियां पोते पोतियां इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि भारत में ईसाइयों की संख्या के प्रतिशत में वृद्धि होना चाहिए या कमी होना चाहिए? निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का धर्मांतरण चल रहा है तो ईसाइयों के प्रतिशत में वृद्धि होना चाहिए। मैं अभी आपके सामने 1971 से लेके 2001 तक की जनसंख्या गणना के आंकड़े आपके सामने रखूंगा, फिर आप निष्कर्ष निकालें कि इनके प्रतिशत का क्या हो रहा है। 1971 में भारत में ईसाइयों की जो जनसंख्या थी वो थी 2.60, 1981 में ये हो गई 2.44, 1991 में 2.34 और 2000 में ये जो जनसंख्या का प्रतिशत था ये हो गया 2.30। तो ख्याल कीजिए 1971, 81, 91, 2001 और इधर जनसंख्या का प्रतिशत है, ये जनसंख्या का प्रतिशत भारतीय सेंसस फिगर्स भारत की जनसंख्या गणना के आंकड़ों से लिए गए हैं। ये जो जनसंख्या का प्रतिशत है, विवाद देते हैं इस पर, ये तर्क देते हैं कि ये गिरावट झूठी है। वे कहते हैं कि कुछ लोग धर्मांतरण तो कर रहे हैं पर अपना धर्म जाहिर नहीं कर रहे। तो सवाल ये उठता है उनके हिसाब, उनके मतानुसार, कि कुछ लोग आदिवासी और दलित, उन्हें जो आरक्षण की सुविधाएं हैं वो धर्मांतरण के बाद बंद हो जाएंगी, इस डर से वो अपना सही धर्म जनसंख्या गणना में नहीं बताते। पर मित्रों, ये तर्क पूरा पूरा झूठा है। ये पूरा झूठा इसलिए है कि आदिवासियों में जो आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण, धर्मांतरण के बाद भी बंद नहीं होता। नंबर दो, दलित जो जिनका धर्मांतरण हुआ है वो ज़्यादातर गरीब किसान हैं। अब गरीब किसान कितना धर्मांतरण की सुविधाओं का फ़ायदा लेते हैं, ये इसका फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। तो मेरे मतानुसार, मेरे अध्ययन के अनुसार, भारत में ईसाइयों की संख्या में लगातार थोड़ी सी गिरावट आई है, उसका कारण भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर में ये ईसाई विरोधी हिंसा क्यों? सवाल ये उठता है कि क्या धर्मांतरण गलत है? क्या इस प्रकार की चीज़ों का गाँव में अगर होती हैं तो वो गलत हैं? तो भले ही ईसाई मिशनरी जो कर रहे हों उनका कोई समर्थन करे ना करे वो अलग बात है। पहली बात हमें याद रखना चाहिए कि भारत का ईसाई धर्म इंग्लैंड के ईसाई धर्म से और अमेरिका के ईसाई धर्म से पुराना है, क्योंकि भारत का ईसाई धर्म 1952 में सेंट थॉमस के मलाबार तट पर आने के बाद से, यहाँ जो चर्च स्थापित हुए उसके बाद से यहाँ ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। तो ईसाई धर्म के मिशनरी पिछले करीब 1900 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और उसके बावजूद बीच में 150 साल का अंग्रेज सत्ता की हुकूमत रही, ईसाई मिशनरी इतने सालों से काम करते हैं। अगर ये बात सच होती लालच और प्रलोभन की, तो यहाँ ईसाइयों की संख्या केवल 2.30 कैसे होती? इसका जवाब आपको सोचना चाहिए। नंबर दो, क्या धर्मांतरण करना गलत है? क्या भारतीय संविधान गलत बात करता है? नंबर तीन, अगर यहाँ जबरदस्ती से किसी पर लादा लादी करके अगर धर्मांतरण हो रहा है तो उसकी कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं? जब ये सवाल पूछा जाता है तो उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता।